अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम अपने किचन में एक स्पेशल सी रेसिपी बनाने जा रही हैं, जो कि चिकन टिक्का बोटी हम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि चिकन के जो पीस है वो बोटी छोटी हो। अगर चिकन की बोटी ज़्यादा बड़ी होगी तो वो चिकन इतनी जल्दी नहीं गलने वाला। इसलिए मैंने जब गोश्त मैंने मंगवाया था तो छोटी बोटी करवाई थी, और इससे बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरी बात यह कि जब चिकन को धोना है तो पानी लेकर सिरके और नमक में डिप करके इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, तो चिकन बहुत अच्छी तरह से धुल जाता है। और मसालों में हमारे पास है नमक, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, इसका भी मैंने इसका पाउडर बना लिया था, जीरे को भी मैंने क्रश कर लिया था, और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च है। ये सारे मसाले मैंने 1 1 टेबल स्पून लिए हैं। सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च और पीसी हुई लाल मिर्च मैंने 1.5 चम्मच लिया है। तो कमर्शियल टाइप में भी यही मसाले इसमें शामिल किए जाते हैं, और इतना कोई ख़ास मसाला नहीं इसमें शामिल करते। और दूसरी चीज़, हमारे पास यहाँ पर दही है। दही जो है वो हमारा थिक होना चाहिए। कर्ड फॉर्म में दही होगा तो फिर ही इसमें मैरिनेशन अच्छी होगी। पतला दही अगर होगा तो वो फिर काम नहीं बनेगा। तो साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रेश कूट लिया था। और सबसे पहले हम ये करेंगे कि दही में हम सारे मसाले शामिल कर देंगे, क्योंकि अगर दही में हम सारे मसाले शामिल करके किसी चीज़ को मैरिनेट करते हैं तो वो चीज़ जो है वो अंदर तक उसका फ्लेवर जाता है और अंदर तक वो गल भी जाती है, चिकन हो या कोई सा भी गोश्त हो। तो इसलिए मैंने सारे मसाले दही में शामिल किए हैं। और इसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो इसी के साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च और पीसी हुई लाल मिर्च मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी की है, ताकि चिकन टिक्का खाने में एक मज़ा आए और उसकी खुशबू भी बहुत ही इन सारे मसालों से अच्छी आती है। जिस तरह की कमर्शियल टाइप खुशबू है, कमर्शियल टाइप तरीका है, उसी तरह के मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। और बिल्कुल वही मसाले हैं और तरीका भी बिल्कुल वही है। उसके बाद हमने चिकन को खुले बर्तन में डालकर दही के मैरिनेशन को इसके ऊपर डालना है, और दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि हर बोटी पर हर तरफ से मसाला लग जाए। और इसी तरह से हम फिर इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। बस इसका इतना ही प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस हम इसके अगले दिन करेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 चुटकी ज़रदा रंग शामिल की है, क्योंकि अगर हम बाहर जब टिक्का लाते हैं तो उसमें भी कलर उसमें शामिल ज़रूर किया होता है, या लाल उसमें रंग शामिल करते हैं या जर्दे का रंग शामिल करते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से जर्दे का रंग इसमें शामिल किया है, ताकि कलर देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो मैरिनेट जो है वो एक बहुत ही ख़ास चीज़ है। जिस चीज़ को हम जितना मैरिनेट करेंगे वो चीज़ उतनी ही बाकमाल हो कमाल की बनेगी। और यहाँ पर मैं चिकन को 24 घंटों के लिए मैरिनेट पे रखूँगी, और 12 घंटे के लिए भी ठीक है, लेकिन 24 घंटे लाजमी है। और जी, अगले दिन की दोपहर को हम मैं जो है जो हूँ वो सीखों पर चिकन को लगा रही हूँ, और कोयले भी हमारे बिल्कुल रेडी थे, और बस सारा कमाल मैरिनेशन का है और जो घर के मसाले अपने होते हैं उनका है, और कोई भी चीज़ नहीं इसमें मैंने शामिल की। तो बस ध्यान रहे कि चिकन को मैरिनेशन अच्छे टाइम पर मिले, और इसको मैरिनेट करके हमने फ्रिज में रख देना है पूरे दिन के लिए। 24 घंटों के बाद हम फ्रिज से निकाल कर कोयलों में आराम से लगा सकते हैं। तो कोयले भी हमारे रेडी थे और अच्छे खासे गर्म हुए थे। तो सारे मैंने तिक्के जो तिक्का बोटी मैंने सीखों पर लगा कर इनको अब मैं कर रही हूँ बारबेक्यू कर रही हूँ। और हमने हर साइड 2 2 मिनट बाद पकाते रहना है, और हर साइड को हमने अच्छी तरह से कलर देना है। लेकिन ध्यान रहे कि कोयला इतना भी ज़्यादा गर्म ना हो कि जो स्किन की चिकन की स्किन है वो बाहर से जलने लग जाए। तो बस ध्यान रखे पास इसके बैठना है और इसको बस हिलाते रहना है, ताकि हर तरफ से कलर भी अच्छा आ जाए और हर तरफ से पक भी जाए।
और जी यहाँ पर सारी बोटियाँ अच्छी तरह से बिल्कुल गल चुकी थी, और जब आपको लगे कि बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं और इनमें कलर भी अच्छा आ गया है, तो उसके बाद हमने अगला स्टेप ये है कि ऑयल अपने पास रख लेना है। ऑयल हो या देसी घी हो तो इन इनके ऊपर लगाते रहना है, और ऑयल लगाने के 2 से 3 मिनट बाद इसको हमें सीखों से उतार लेना है, और फिर ये जाकर अच्छी और जूसी हमारी जो है वो सीखे और बोटियाँ तैयार होंगी। और ये देखे कि हमने सारी जो है वो बोटियाँ तैयार कर ली हैं, और यकीन करें कि बिल्कुल ही कमर्शियल तरीके से टेस्ट बिल्कुल आ रहा था, कलर वही था, टेस्ट बिल्कुल वही था। और ये वैसे भी ये तो कमर्शियल रेसिपी है, और जो भी मसाले मैंने शामिल किए हैं मैंने आपसे लेकर रेसिपी आपके आपके साथ शेयर की है, तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपकी ये चिकन टिक्का बारबेक्यू किस तरह से तैयार हुआ है। और इसको पकाने का एक आर्ट है, एक तरीका होता है जो सबको आना चाहिए, तो मैंने भी अपनी वीडियो में इसी तरह से सिखाया है, और लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़ जी।